की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी राजनांदगांव के ग्राम मोहर पहुंची, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को अपनी मेहनत से यहां के लोगों ने कामयाब प्रदेश बनाया है। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, 5 सालों में प्रदेश के लिए बहुत काम किया गया है। कांग्रेस सरकार में किसानों का कर्ज माफ किया गया है, धान का समर्थन मूल्य बढ़ा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानियों का मानदेय बढ़ाया गया। वहीं प्रियंका गांधी ने किसानों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों को मजबूत बनाने की बात करते हुए कांग्रेस पार्टी की घोषणाओं के बारे में बताया। राजनांदगांव से निमिष अग्रवाल की रिपोर्ट। धार्मिक नेता नहीं है, वो सत्य के पथ पर नहीं चल रहा है। आपको वो वादा किया जाना चाहिए जो वादा पूरा होगा। इसीलिए कांग्रेस पार्टी की जो गारंटी है उसका प्रमाण आपके सामने है। कर्नाटका में हमने कहा हम महिलाओं को कुछ देंगे, हर महीने पैसे देंगे, आज उनको मिल रहा है। यहाँ पे हमने कितना काम करके दिखाया छत्तीसगढ़ में, आपको आपने खुद देखा। जैसे मैंने गौठानों की बात की, मानदेय की बात की, आपने खुद देखा कि काम किया हमारी सरकार ने। इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासियों के लिए खास जो SC ST सब प्लान है उसको हम लागू करेंगे। विशेष बजट जारी करेंगे हम आपके लिए और दलितों के लिए। वन अधिकार कानून वाले पट्टों को 1 साल में हम उन पर सब पट्टों का फैसला करवाएंगे। और जहां आदिवासियों की जनसंख्या ज्यादा है उन क्षेत्र को हम अनुसूचित क्षेत्र घोषित जरूर करेंगे।